वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। क्या हुआ? कहाँ? सो अभी हम हो गए हैं रेडी और ये देखो मैंने पहनी हुई है साड़ी मिरर में। पीछे रुद्राक्ष रेडी है। हम लोग जा रहे हैं आज मंदिर घूमने के लिए। आज है अष्टमी। सो पूरा नवरात्र निकल गया, हम लोग मंदिर घूमने नहीं गए, आज फाइनली जा रहे हैं। इन ये भी घर पे थे, रुद्राक्ष की छुट्टियां चल रही हैं दशहरे की वजह से, तो आज जाते हैं मंदिर घूम के आते हैं। एंड क्या कर रहे हो? ये रुद्राक्ष की तलवार है, ये रखो, इसको रखो। क्या कर रहे हो? खराब हो जाएगा। सो चलते हैं, रेडी हो गए हैं बिल्कुल, फाइनली मंदिर घूम के आते हैं। आप सबको भी मंदिर घुमाते हैं नवरात्रि में, और बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर मंदिर है। पहुंच गए हम लोग मंदिर, और घर से निकलते निकलते भी लेट हो गया, तो शाम होने वाली है, बट अच्छा व्यू दिख जाएगा क्योंकि लाइटिंग हो रखी ना सब जगह। तो चलते हैं, और पीछे देखो मंदिर भी दिख रहा होगा। पार्किंग बिल्कुल मंदिर के अंदर अंदर ही है। यहाँ लगा दो नीचे। बाबू कैसा लग रहा है मंदिर आके? मम्मा आज तो पूरे दर्शन करेंगे, पूरे का पूरा। अच्छा पूरे दर्शन करेंगे। ओके, स्लीपर हमने गाड़ी में ही रख दिए निकाल के। वैसे वहाँ पे भी रख सकते हैं स्लीपर वगैरह रखने की जगह, बट हमने गाड़ी में ही रख दी। उधर फिर टोकन वगैरह लेना पड़ेगा, फिर रखना पड़ेगा, तो इसके अच्छा हमने गाड़ी में ही रख दी है। अब चलते हैं। ये देखो पीछे मंदिर दिख रहा है पूरा। हाँ, एंड शाम हो गई है ना, तो लाइटें भी जल गई हैं। हाँ पास मून मून दिख रहा है रुद्राक्ष को। ये देखो देखो कितना पास है। आज तो मून जल्दी दिखेगा, करवा चौथ वाले दिन बहुत लेट निकलता है, 10 बजे के आसपास ही दिखता है। देख लिया है रुद्राक्ष से, मन हो रहा था कि मैं भी कर लूं, बट पॉसिबल नहीं हो पाया, उसको शर्म भी लग रही थी। रुको रुको गाड़ी निकल जाने दो। सो अंधेरा भी हो गया, लाइटिंग भी काफी अच्छी हो रखी है। अंदर से चले, ऊपर से चले, चलते हैं बड़ी वाली मूर्ति देखने के लिए। फिर बाकी के और मंदिर है वो रोड क्रॉस करके जाएंगे, फिर बाकी के मंदिर देख। क्या हुआ?
ये बहुत बड़ा सा हॉल है यहाँ पे, मतलब जो भागवत वागवत चलती है ना वो यहीं पे होती है। ये देखो कितना लंबा चौड़ा हॉल है। नवमी पूजन तो उसके लिए हमें थोड़ा सा सामान खरीदना है मार्केट से, तो वो खरीदेंगे एंड फिर हम लोग जाएंगे घर। सो आज के इस वीडियो का एंड करते हैं। रोजान थक गया है, रोजान से भी भंडारा खा लिया है ना। हाँ, प्यास भी लग रही थी, कितना टेढ़ा टेढ़ा करना था। प्यास लग रही थी इसको बहुत तेज, तो गाड़ी में हम लोग पानी लेके आए थे, बॉटल रखी हुई थी तो उसको पानी वगैरह पिलाया। अब जाके ठीक है, आप लोग कल आपको और ब्लॉग मिलेगा देखने के लिए। और इस वीडियो का इंपैक्ट कर सकते हैं। बाय बाय एंड हैप्पी नवरात्रि।